सिद्धांते जवाब देगा भी तदुच्यते। अनेकात्म मानने वाले आपके ही मत में सब दोष आ जाएंगे, हमारे मत में कोई दोष नहीं है, ये कहा था। तव पक्ष एवं हमी दोषाह संप्रसज्जन्ते, आपके पक्ष में ये सब दोष जो आप मेरे पर लगा रहे थे आप पर ही आएगा। कैसे? सुनो, तदुच्यते आत्मनाम अनेकत्वे विभुत्वे च, आत्माएं एक नहीं अनेक है और वो विभू भी है, सब के सब व्यापक भी है। फिर तो सभी के आत्माएं सभी के मन के साथ संबंध कर लेगा, व्यापक है ना, सभी के बुद्धि के साथ भी संबंध हो जाएगा। तो सती ऐसा स्वीकार करने पर अन्योन्येषाम अन्योन्य मनोबुद्धियादि भी संयोग असंभवति, परस्पर सभी आत्माओं का एक दूसरे के मन बुद्धि आदि से संबंध होने लगेगा। तो सभी आत्माओं का सभी अन्यों के सभी का ज्ञान हो जाना चाहिए कि आपकी आत्मा भी व्यापक है, मेरी आत्मा भी व्यापक है। तो आपकी आत्मा जब व्यापक है और मेरे मन बुद्धि से संबंध करके मेरे मन बुद्धि में जो भी ज्ञान से प्राप्त कर ले, एक पढ़ लेगा तो सब पढ़ लिया, दोस्तों आप ही के ऊपर आ गया ना, एक ने रट लिया सब रट लिया, यह आपत्ति आप पर उल्टा आएगा। ते उक्त रीत्या सुख दुख बंध मोक्षादि नाम सांकर्यं च प्रसज्जते, पूर्वोक्त रीति से आप जो हम पर दोष दे रहे थे वो दोष आप पर ही आ गया, सुख दुख बंध मोक्ष आदि सभीओं में सांकर्य हो जाएगा। नहीं कहेश एव अनर्थः, ये एकमात्र अनर्थ है इतनी बात नहीं, येष एक एव अनर्थ इतना अपितु विभुत्वाद्य सिद्धिश्च, और यदि अनेक है वो विभू नहीं हो सकेगा, और विभू है तो अनेक नहीं हो सकता। जैसे आकाश हम विभू मान रहे हैं, यदि फिर वायु भी को विभू कहोगे क्या? तेज मैंने अग्नि जल पृथ्वी, आप स्वयं नहीं आए, एक लोग जो है आकाश को भूतों में विभू मान लिए तब बाकी चार को विभू नहीं मानते। इसी प्रकार यहां भी हम कहते हैं यदि एक आत्मा विभू है फिर सारे एक के सारे कैसे विभू हो सकते हैं। इसलिए कहते देखो विभुत्वादी जो आपके मत में वो भी सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? तथा ही यद्यत वस्तु स्वेतर भेदवत तत्त परिच्छिन्नमिति आत्मनाम अनेकत्वे सति अन्योन्य सत्ताभिर अन्योन्य भेदवत्वेन परिच्छिन्नत्वात् पूर्णत्वं न सिद्ध्यति, पूर्णत्वं की क्रियमाणे तो अनेकत्वं च न सिद्ध्यति। क्योंकि जो वस्तु एक दूसरे से भिन्न हुआ करेगा वह निश्चित रूपेण वह वस्तु परिच्छिन्न ही होगा। जैसे घट से भिन्न पट है, पट से भिन्न घट है, अतः घट पर दोनों ही परिच्छिन्न है। आकाश वायु ये सब भी क्या है? एक दूसरे से भिन्न है, अतः वे एक दूसरे की अपेक्षा से वे परिच्छिन्न ही होंगे। इसे वेदांत मत में आकाश भी परिच्छिन्न नहीं है, जो भी भेद विशिष्ट होगा वो परिच्छिन्न होगा, जो अपरिच्छिन्न है वही मात्र एक वस्तु विभु हो सकता है। इसे कहते हैं अन्योन्य सत्ता भिर अन्योन्य भेदवत्वेन, एक दूसरे की सत्ता से भिन्न एक दूसरे का वस्तु का होने से सब के सब परिच्छिन्नत्वात् परिच्छिन्न हो जाने से पूर्णत्व माने विभुत्व न सिद्ध्यति, ये पूर्ण नहीं हो सकते, विभू नहीं हो सकते। यदि पूर्णत्व स्वीकार करोगे पूर्णत्व अंगी क्रियमाणे तो अनेकत्व च न सिद्ध्यति, फिर अनेकत्व नहीं हो सकता उनका। क्यों? पूर्णत्व अनेकत्व परस्पर विरोधात्, विभुत्व और अनेकत्व ये परस्पर विरोधी है। आत्मनाम पूर्णत्वम अनेकत्वं च ब्रह्मणापि निर्वोढुं न शक्यते, आप और हम तो छोड़िए शास्त्र चिंतन करने वाले, साक्षात ब्रह्मा जी आ जाएं
वे भी नहीं कर सकते। विभुत्व और अनेकत्व दोनों का निर्वाह वह ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ततो भवता पिछले आपके द्वारा भी एकत्वमेव गंतव्यम। यदि व्यापक मानते विभु मानते हो आत्मा को, फिर एक ही मानना पड़ेगा, आत्मा अनेक नहीं मान सकते। किंच इत्रायन एक और बात है, परिच्छिन्नाश्चिद्रूपाश्च अनेके च आत्मनेति यह पक्ष। और जो दूसरे लोग अन्य लोग हैं क्या कहते हुए परिच्छिन्न मानते आत्मा को, चिद्रूपी मानते और अनेक मानते। शरीर परिमाण वाले आत्मा जैन दर्शन, क्षण विज्ञान वाले आत्मा सपरिचिन्न उनके आत्मा, व्यापक तो है नहीं। जो व्यापक मानने वाले हो गए सांख्य योग न्याय में मान सवैशेषिक, ये सब आत्मा अनेक और व्यापक मानने वाले, उनका खंडन हो गया। अब जो परिचिन्न मान रहे, लेकिन परिचिन्न मानते हो क्या मान रहे हो, चिद्रूप मान रहे। और जो चिद्रूप होता है वो परिचिन्न नहीं हो सकता, जड़ होगा। जो परिचिन्न होगा वो जड़ होगा जरूर, जो चिद्रूप होगा वो विभू होगा। क्यों? कि जो चिद्रूप है वो स्वरूप प्रकाशक है, जो स्वरूप प्रकाशक है वो परिचिन्न कैसे होगा? परिचिन्न वस्तु स्वरूप प्रकाशक नहीं हो सकता। अरे चिद्रूप भी है वो बोलोगे और परिचिन्न भी कहोगे, दोनों विरोधी बात है। ये कहने वाला कौन है? जैन बौद्ध लोग और आपके चार्वाक भी, फर्क थोड़े थोड़े हैं। मध्यम परिमाण का मतलब क्या हुआ? परिचिन्न हो गया। चैतन्य भी मानता है और साथ साथ चिद्र भी मान रहे वो लोग। इतना ही फर्क है, शरीर मरने से आत्मा भी मुक्त हो गया, ये चार्वाक कहेगा। और जैन कहेगा नहीं, शरीर मरने से मुक्त नहीं होता, अगला अगला जन्म मिलते रहेगा, पुण्य करते 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 आत्मा इतना हल्का होते जाते, पाप से भारी हो रखा है, पाप से भारी हो जाने से यह आत्माएं धरती पर हैं इस समय में। जब पाप धुलते जाएगा हल्का होते जाएगा आत्मा, इतना हल्का उड़ते 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 ऊपर पहुंच जाएगा तीर्थंकरों के पास, ये जैनियों का कहना है। और इधर बौद्ध कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, आना जाना कहीं नहीं, आत्मा क्षणिक है, वो तो परिचिन होते चिद्रूप होते हुए क्षणिक है और अनेक धारा है वो। ऐसे तीनों जो हमारे नास्तिक दर्शन है, ये लोग परिचिन मानते हैं, चिद्रूप मानते हैं, अनेक मानते हैं। चात्म नहीं थी यह पक्ष, ऐसे जो मानने वालों का जो पक्ष है सो भी न सिद्ध्यति, वह भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? बहु श्रुति स्मृति युक्ति विरोधात्। श्रुतियों का विरोध हो जाएगा, स्मृतियों का विरोध हो जाएगा, युक्ति का भी विरोध हो जाएगा। कैसे? सुनिए पहले श्रुतियों को। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः कह दिया, जो परिच्छिन्न होगा वह अनित्य होगा, अतः नित्य जो कह रहे वो घटेगा नहीं। सर्वगत कह रहे और आप परिच्छिन्न कह रहे हो, विरोध हो गया। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही एव सर्वभूतांतरात्मा, तो अनेकत्व का विरोध हो गया। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, श्वेता सूत्र का। एक सन बहुधा विचार, एक ही भूतात्मा निरपेक्ष, एक एव साक्षी, एकस्तेन इदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। स्पष्ट है, व्यापक है, विभु पूर्ण मैंने विभु है, व्यापक है, एक ही पुरुष सब कुछ व्याप्त कर लिया गया बोल रहे हैं। अशरीरम शरीरेश अनवस्थेश अवस्थितम गीता में, महांत विभुमात्मानम इसको इतने श्रुति भी बोल दिए, महांत विभुमात्मा तो ठीक है श्रुति भी, इन अशरीरम शरीरेश को नहीं चले सकते स्मृति में, वो गीता का लिया जाए। नित्य सर्वदस्थान और अचलोयम सनातन गीता का है। नित्य सर्वगतो अयप्य आत्मा कूटस्थो दोषवर्जित, एक सन भिद्यते भ्रांतिया माया न स्वरूपतः, स्मृति ये महाभारत का।
नित्य है, सर्वगत आत्मा, कूटस्थ है, सर्वदोष रहित है, एक होते हुए भी भ्रांति के कारण से माया के द्वारा अनेक रूप में विभक्त दिख रहा है। इत्या स्मृति भी आत्मा शरीरेषु एक एव भवितुमर्हति, आत्मा शरीरों में एक ही होगा, पूर्णत्वात् घटादिशो आकाशवत्। जो घटादियों में जैसे एक ही आकाश व्याप्त है, उस सगल शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है, घट घट में भिन्न दिखता है ना। भजन ने है अनेक भजन में घट शब्द प्रयोग किया है शरीर के लिए, और हम लोग जो सुना तो उससे भी तो है ना, 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश। आत्मा अब युक्ति ला रहे, श्रुति हो गया, स्मृतियों के दे दिया, आत्मा एक भवती क्यों हेतु दे रहे ये सब युक्तियां, निष्कलत्वात् सर्व प्रकाशकत्वात् सर्व साक्षित्वात् सर्वत्र अहम प्रत्यार्थत्वाच्च इत्यं वा युक्तिभिश्च आत्मनः पूर्णतैव अवध्रियते। निष्कल है, निरवय है, निरंजन है, निराकार है, निर्गुण इत्यादि, और सर्व प्रकाशक है वो, सभी का साक्षी है वो, और सकल व्यक्तियों में एक आकार जो अहम आकार प्रत्यय का विषयत्व भान होता है, इत्यमादियुक्तियों से भी आत्मा में पूर्णत्व और एकत्व आदि ही सिद्ध होता है। आकाश वदिति निरुक्त श्रुति स्मृति युक्ति प्रामाण्याद एक एव आत्मा इति सिद्धांत, उक्त श्रुति स्मृति और युक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया आत्मा एक है, नित्य है, व्यापक है, ये हमारा सिद्धांत है। ये तो हम त्वम चई में अब श्लोक में लौटते हैं, जिसलिए मैं परमात्मा, तुम अर्जुन जीवात्मा और इमे जना जनादि पाहा, तुमसे अपने आप से भिन्नत्व स्वीकार किया गया, ये सारी आत्माएं वास्तव में एक ही है। पूर्वोक्त रीत्या, पूर्वोक्त रीति से क्या है, ये भूत भविष्यत वर्तमान कालेषु क्वचिदपि न भविष्यामिति, न भूत भविष्यत वर्तमान तीनों ही कालों में कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है, अव्यभिचारी रूपेण सदा रहने वाले हैं, नित्य है, किंतु भविष्याम एव त्रिशुपि कालेषु सत्तावन्तेव स्मः ततो अहम तंचैमे च सर्वे वयम् परम ब्रह्मैव। इसीलिए अंतिम पाद ले लिया अब, इसीलिए चाहे तुम हो चाहे मैं हो चाहे संसार के समस्त, ये सारी चीज़ें वास्तव में कुछ नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही हैं, वयम सर्वम परम ब्रह्म ही व। प्रपंच तद्भिमान्यादि सर्व दृश्य कल्पनाधिष्ठान भूतम निष्कलम निष्क्रियम शांतम अनंतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य ज्ञान आनंद अद्वयम ब्रह्म ही व स्मः। इसलिए हम सब का एक स्वरूप है, हम लोग कैसे हैं, प्रपंच तद अभिमान्यादि सर्व दृश्य कल्पना का अधिष्ठान है, ये सारा दृश्य है, इन दृश्यों की कल्पना का अधिष्ठान हम अब हैं, और निष्कलादि है, निष्क्रिय है, अतएव शांत है, और अंत रहित, किसी भी प्रकार के भी अंत रहित है, अनंतम, अतएव नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूपा अद्वैत आत्मा ब्रह्म ही हम हैं। भोक्ता भोज्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। सर्वं त्रिविधं एतद् ब्रह्मैव इति प्रोक्तम्, ऐसा स्पष्ट ही कहा गया है। भोक्ता भोग्य और प्रेरिता ईश्वर, माने ईश्वर जीव और जगत, प्रेरिता कौन है, ईश्वर है, भोक्ता है जीव और भोज्य है संसार जगत, ये तीनों के तीनों का प्रविभाग रूपेण जो व्यवहार हम शास्त्रों में देखते हैं, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्मैव इदं सर्वं श्रुति प्रमाण है। इति श्रवणात् त्वांच मांचे तांश्च सर्वान् परम ब्रह्मैव इति जानीहि इत्यर्थः। इसलिए इन स्पष्ट श्रुतियों से श्रवण होने से
तुम हो चाहे मैं, त्वाम च माम च और एतांश्च, ये सब के सब सर्वान परम ब्रह्म ही वो इति जानी ही, ऐसा निश्चय कर लेना। इस प्रकार से 12वें श्लोक का शंकरानंद भी पूरा हो गया। टिप्पण संग्रह में आइए, विभाग पर वर्णन करेंगे दो पक्ष। अंडार जुष्ट्यम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, ये जो कहा गया था द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में, दो दो में कहा गया था अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, उसमें अनार्य जुष्टम की व्याख्या इस 12वें श्लोक से आरंभ करके 30वें श्लोक से, 12 से 30 अनार्य जुष्टम की व्याख्या। ये आर्यों से जुष्टित नहीं है, आर्यों से सेवित नहीं है, वैदिक मार्ग नहीं है जो तुम बता रहे, तुमने जो अपनाया है वो अवैदिक मार्ग है। वैदिक मार्ग क्या है? वो ये है जो हमने तुमको 12वें भी सुनाया और आगे सुनाते रहूंगा 30 तक। और उसके बाद आरंभ होता है 31, 32, 33, ये तीन श्लोक में अस्वर्ग्यम की व्याख्या, और 34, 35, 36 इन तीन श्लोकों में अकीर्ति कर्म की व्याख्या, और 37 और 38 इन दो में इन तीनों पक्षों का उपसंहार करेंगे। इस प्रकार से 12 से 38 का विषय विभाग समझ ली एक पक्ष में। अन्य तो दूसरों के नहीं, दो ही विभाग है। 12 से 30 तक तो श्लोक से अस्त पूर्वार्ध से व्याख्या, 11वें श्लोक का, वो दूसरे दो दो का नहीं ले रहे, वो 11वां श्लोक जब भी गया है उस 11वें श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या आपके 12 से 30 है, और उत्तरार्ध की व्याख्या 31 से 38 है। 38 तक तो बात एक ही दोनों ले रहे हैं, और एक 12 से 38, लेकिन विषय भी बात अलग ढंग से लिया। पहले वालों ने दूसरे श्लोक की व्याख्या माना और अन्यों ने 11वें श्लोक की व्याख्या माना है, ये दो पक्ष हैं। अस्मिन् श्लोके, अब आई 12वें श्लोक का विषय विचार करिए। पूर्वार्ध के द्वारा क्या कहा गया? हम तीनों ही कालों में थे, नहीं थे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसका मतलब प्राग अभाव से रहित हम, आत्मा प्राग अभाव का अप्रतियोगी है, ये कहा गया कि जो पहले नहीं था अब होएगा, उसका नाम क्या था? प्राग भाव का प्रतियोगी। पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था, सोना में आभूषण नहीं थे, आपने क्रियाकलाप करके कर्ण सामग्री का प्रयोग करते हुए है, क्या करते हैं, घड़े को बना देते हैं, आभूषण को बना देते हैं, उससे निष्कर्ष निकलता है पहले प्राग भाव था, घट का प्राग भाव था। लेकिन आपका क्या कह रहे हैं? नत्वेह जातु नासम, इसलिए प्राग भाव का प्रतियोगित्व पूर्वार्थ के द्वारा निर्णय हुआ। और आगे न चैव न भविष्यामा, हम भविष्य में नहीं रहेंगे, घड़ा भविष्य में नहीं रहेगा, इसका घड़ा क्या हो गया? प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी, उसका ध्वंस होगा, जिसका ध्वंस होता है वो भविष्य में नहीं रह जाएगा। इसे ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा वो यहाँ नहीं घटेगा। हम कह रहे हैं भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होंगे, मैंने हमेशा ही रहेंगे, इसका मतलब हमारा ध्वंस होने वाला है ही नहीं, अतः हम ध्वंस का प्रतियोगी नहीं रहा। इसे पूर्वार्ध प्राग प्रतियोगित्व निषेध करता है, और उत्तरार्ध जो है प्रध्वंसाभाव प्रतियोगित्व, वही बता रहे। देखिए अस्मिन् श्लोके जो है पूर्वार्ध है ना प्राग भाव अप्रतियोगित्वम, उत्तरार्ध है न च प्रध्वंसाभाव प्रतियोगित्वम दर्शितम भवती। उत्तरार्ध में एक और विशेषता है, नए द्वय का प्रयोग जब हो ही गया, विषय की दृढ़ता पक्का हो गई, तो फिर भी एवकार क्यों कह दिया? नए द्वयेण अवधारणता अर्थ सिद्धौ पुनर एव शब्द प्रयोगस्तो नित्यत्व द्योतनार्थ, अवधारण तो हो गया लेकिन नित्यता का प्रतिपादन करने के लिए पुनः एवकार भगवान ने कहा न चैव च न भविष्यामि, न च न भविष्यामा, नए द्वय के द्वारा ही निश्चय हो गया लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए एव भी कह दिया। च शब्द च अनादित्वम समुच्चयार्थ, अच क्यों कहा गया? अनादि है और नित्य, ऐसे भाव पदार्थ आत्मा है, अनादित्व को जोड़ने के लिए ही च शब्द कह दिया गया। और शुरू में तू आया था, उसका अर्थ बता चुका था, भेद का निराश कर नत्वेवाहम, तू क्या है?
भेद का निराश करके अभेद अद्वैत को स्थापित करने के लिए तू कहा गया। तुम जो बात कहते आ रहे हो वो सब क्या था? भेद पूर्वक, ये मेरे हैं, मेरे ताऊ चाचा अमुक अमुक सब मेरे बोलकर तुम क्या कह रहे हो? भेद कह रहे हो। तू कर खंडन कर दिया, वास्तव में न तुम न इनमें न मुझ में न किसी में कोई भेद नहीं है। भेद का निराश करने के लिए तू शब्द का प्रयोग हुआ। और जातकार भाष्यकार ने खुद ही बता दिए थे कदाचित त्रिपादम पदार्थ शोधनम, इसे तीन पादों के द्वारा त्वम पदार्थ का शोधन किया और चतुर्थ पाद के द्वारा तत्पदार्थ शोधनार्थम इत्थम अन्वयम करणीयम, तत्पदार्थ शोधन हेतु इस प्रकार से अन्वय करनी चाहिए। अतो वयम सर्वे परम एव तत्तम, ऐसे एव को वहां जोड़ के बोलिएगा, सर्वे वयम अतः परम, उसके लिए अतः पहले ले हेतु पर को वयम सर्वे परम एव ब्रह्म तत्त्वम इति एवं पुरुष लोकेन आत्मनो देहाद अन्यत्वम् उक्त्वा अत्र व्यवहार दृष्टिया सूक्ष्म विशिष्टस्य आत्मनोपि नित्यत्वं साधितम्। इसलिए यहाँ पर पुरुष लोक में जो क्या किया था, स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध कर दिया और अब हाँ आत्मनो देहाद अन्यत्व सिद्ध कर दिया, अब व्यवहार दृष्टि से भी सूक्ष्म शरीर भी आने जाने वाला है, लोग सोचते जन्म जन्मांतर को प्राप्त करता है इत्यादि सिद्धांत हैं, वह भी वास्तविक वेदांत दृष्टिकोण से है नहीं, इस बात को स्थापित किया गया। साहितम अंत च अंत में तत्त्वम पदार्थ और ऐक्यम प्रतिपादितम, अंत में तत्त्वमसि या ऐक्यता का प्रतिपादन कर दिया, हम सब वह ब्रह्म ही है। ब्रह्मसूत्रे च इस विषय ब्रह्मसूत्रकार विचार करके कहे हैं चराचर व्यापाश्रयस्तु स्यात् इति, चराचर सब का व्यापाश्रय माने व्यापक अधिष्ठान एक ब्रह्म ही है। यावत विकारं दो विभागो लोकवत, एक लौकिक व्यवहार में जैसे एक अज्ञानी है मूढ़ पुरुष हो अपने विभाग पर सब कुछ व्यवस्था को प्रदान करता है, उसी प्रकार यावत विकार जहाँ तक भी आप माया का विकार देखोगे वहाँ तक आपको विभाग ही दिखेगा, भेद दिखेगा। जब माया अमाया का कार्य से परे हो जाओ तभी जाकर के आपको अविभाग अद्वैत की अनुभूति होगी। न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताप्य, और वो जो विकार है वो आत्मा नहीं हो सकता, के संबंध में कोई ऐसा श्रुति नहीं है जो बतावे आत्मा विकारी है, ऐसे कहने वाला कोई श्रुति नहीं है। किंतु सभी श्रुतियों से ताप्य श्रुतिभ्य क्या निर्णय है? नित्यत्वाच्च नित्य आत्मस्थापित इत्यादि भी सोपादिक भेदम भेव स्वीकृत्य निरुपादिक अभेदम साधितम भवति इत्यादि सूत्रों के द्वारा सोपादिक भेद को स्वीकार करते हुए निरुपादिक अभेद को सिद्ध किया गया। यद्यपि भेदोपि श्रुति स्मृत्यादि अनुरूपमेव, कोई पूर्व पक्षी कह सकता है इन भेद पर तो श्रुतियाँ बहुत हैं, यहाँ टीकाकार ने बता दिया उसका दोबारा मैं यहाँ संकेत कर रहा हूँ, सोपादिक भेदम एव स्वीकृत्य जन्मांतर्कृतं कर्म भुञ्जते जन्तवो अधुना प्राप्यान्तं कर्मस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनर्येति अस्मै लोकाय कर्मणे। अनुमान भी किया था आत्मा प्रतिशरीर भिन्न व्यक्ति भेदात् घटवत् तम अहम अयम इत्यादि प्रत्यक्षत भेदाश्च, पुराण श्लोक भी दिया था अदितिर देवानां गंधर्वा मनुष्य पितरो अप्सराहा, श्रुति थी अदितिर देवा गंधर्वा मनुष्य पितरो अप्सराहा, इति श्रुत है देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरा, ये पुराण वचन था। ये सब भेद के प्रतिपादक वाक्य थे, ये पूर्व पक्षी के सारा वाक्य संकेत में दोबारा लिया। तथापि फिर भी एकत्व ख्यापक श्रुति स्मृत्यादि विरोधात् भेद का प्रमाण अध्यारोप पर का अपवादार्थकत्वात्, इसलिए एकत्व ख्यापक श्रुति स्मृतियों और युक्तियों का विरोध होने के कारण से जितने भी भेदक प्रमाण तुम प्रस्तुत करोगे वे सब केवल अध्यारोप मात्र की व्याख्या कर रहे हैं। इधर से अध्यारोप की व्याख्यान करके क्या जरूरत है? तब कहते हैं अपवादार्थकत्वात्, अपवाद करने के लिए कि अनाधिकारी वासनाओं से
जो हमें भेद प्रतीति हो रही है, एकदार्श प्रतीति का अपवाद करने के लिए उसका अध्यारोप रूपेण पहले वर्णन करना पड़ता है। अतएव भाष्यकार इसे भाष्यकार ने कहा भी भेदस्तुपादि निमित्त को मिथ्या ज्ञान कल्पितो न पारमार्थिक जल सूर्य का दिवत। भेद जो हमेशा उपाधि निमित्त ही होता है, मिथ्या ज्ञान से कल्पित होता है, वह पारमार्थिक नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत दिया जल सूर्य का दिवत, विभिन्न जल के भांडों में बर्तनों में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है, उतने सूर्य का भेद नहीं हो जाता, सूर्य तो एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार से अब 13वें श्लोक का अवतरणिका वहाँ पूर्व में है, प्रसंज्ञा 34 में अवतरणिका भाष्य अवतरणिका, तत्र कथम इव नित्यात्मा इति दृष्टांतम बाहा। आपने आत्मा को नित्य सिद्ध किया, लेकिन किस प्रकार से नित्य हो गया? क्या श्रुति स्मृतियों को रटकर बोल रहे हो? कुछ अनुमान के हेतुओं को दे दिया अपने युक्तियों को, सब रटे रटाई विद्या बोल रहे हो लगता है। कोई ऐसे ही ढंग से सिद्ध करो, कोई दृष्टांत से समझाओ ढंग से। ये एक अवतरणिका भाष्यकार का हो गया। अब 38वें पृष्ठ में शंकरानंद जी के अपने अवतरणिका देखिए। एवं तत्व पदार्थ्यो श्रुतियुक्ति भी शोधितयोर द्वयोर एकत्व प्रतिपादित। इस प्रकार से तत्व पदार्थों का श्रुति स्मृति युक्तियों के माध्यम से शोधित किए जाने पर दोनों के दोनों में एकत्व का प्रतिपादन कर दिया। सत्यपि तुम पदार्थ से आत्मना विद्या तत्कार्य कोटि भिष तिरोहितत्वाद अति सूक्ष्मत्वाद दुर्विज्ञत्वाच्च श्रोत्र मोक्ष और मंद प्रज्ञस्य यावत् अप्रतिबद्ध अप्रोक्षम तावत् आवृत्ति रसकृत प्रदेशाति न्यायेन पुनः पुनः तम पदार्थ शोधनमेव सम्यक् कर्तुमिति सूचयितुम् उत्तर ग्रंथम आरभ्यते। यदि तम पदार्थ शोधन हो गया, तत्पदार्थ शोधन हो गया, एकत्व बुद्धि भी एकमात्र एक श्लोक 12वें श्लोक से स्थापित कर दिया गया। फिर भी सबसे भारी समस्या तत्व पदार्थ में होता है, तत्पदार्थ में कोई विवाद नहीं है। तत्पदार्थ में जो विवाद है वो केवल उसके आकार को लेकर के, वैसे ईश्वर में कोई विवाद नहीं, सभी ईश्वर को मान रहे हैं। लेकिन ईश्वर वो धनुष बाण वाला है कि बांसुरी वाला है, उसमें लड़ाई चलता है। किसको माना जाए? कोई कहते धनुष बाण वाले को मानूंगा, कहते भाई बांसुरी वाले को मानूंगा। अरे बांसुरी वंसुरी क्या होता है? बांसुरी से महान होता है मुकुट, सर पर बैठा है भगवान के भी, इसे मुकुट संप्रदाय अलग चालू हो गया। एक बांसुरी संप्रदाय है, मुकुट संप्रदाय है, एक से अनेकों संप्रदाय चालू हो रखे हैं। तो इनमें भेद हो सकता है, लेकिन ईश्वर तत्व में कोई भेद नहीं, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इसे कोई विरोध करता है क्या? इसे कहीं कोई विरोध नहीं। मुसलमान भी निराकार कहते हैं ईश्वर, निराकार ईश्वर, तो ईश्वर तो माना, निराकार से कौन विरोध कर रहा है? ईसाई को पूछो गॉड क्या होता है, सो गॉड क्यों कहते हैं? जी ओडी है, जी मने वो जनरेटर है, वो सृष्टि का करता है, ओ मने ऑपरेटर है, सृष्टि के जो संचालन कर रहा है, डी मने डिस्ट्रॉयर है, अर्थात सृष्टि से दिलय को करने वाला परमात्मा वो भी तो मान रहा है। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञता आदि में कहीं कोई विवाद नहीं है, स्वरूपत में कोई विवाद नहीं, उसे आकार विकार मानने ना मानने में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। से तत्पदार्थ के शोधन में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सबसे भारी समस्या है तम पदार्थ का, कि उसके पास ज्यादा बुद्धि आ गई है ना थोड़ी, इसके पास बुद्धि है, अहंकार है, मन है, और इसको लेकर हमेशा एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना खाते ये मुंडे मुंडे मति भिन्ना हो गई है, मति भेद हो गई तो सर लफड़ा शुरू हो जाता है, इसे इसको समझाना ज़्यादा कठिन है। अतः आगे जो 30वें श्लोक तक, बाकी में 3-3 श्लोक सब निपटा देंगे, लेकिन यहाँ कितने श्लोक लगा रहे, 12 से 30 तक पूरे 18-19 श्लोक लगा दिया। ब्रह्मसूत्रकार ने भी कहा है आवृत्तिर असकृत उपदेशात कह दिया, तुम पदार्थ से आत्मनो, क्योंकि तुम पदार्थ आत्म के क्या हाल है? अविद्या तत्कार्य कोटि भी तिरोहितत्वात्,
असलियत विद्वत्वम पदार्थ शुद्ध ब्रह्म था, आत्मा था, उसको अविद्या और उसे कार्य के विभिन्न कोटियों के द्वारा तुरोहित कर दिया गया, छपा दिया गया है। हमें आत्मा का प्रकाशन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है आत्मा का आत्मा कहीं छप गया। अति सूक्ष्मत्व और आत्मा अति सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है, श्रोता जो मुमुक्षु है और एवं मंद प्रज्ञ जो अधिकारी है उनके लिए यावत अप्रतिबद्ध अप्रोक्षम, जब तक बिना कोई प्रतिबंध का अप्रोक्षानुभूति होती नहीं है तावत काल पर्यंत आवृत्ति रखकर सकृत उपदेशात, ब्रह्म सूत्र है, बार बार आवृत्ति करो। यथा तत्त्वमसि 9 बार आवृत्ति करके पिता ने पुत्र को श्वेत केतु समझाया, उसे पर यहाँ पर हम लोगों को 9 बार से नहीं होगा, 900 बार भी करना पड़ेगा, है ही नहीं, ये कलयुग है, 9 बार में कैसे हो जाएगा। 9 बार में हर बार सुनने के बाद कोई न कोई इंद्रिय से बार फिसल जाएगा। नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वार बना हुआ है फिसलने के लिए। इसे कबीर ने क्या कहा, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। अद्भुत बोला है ना, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, वहाँ पहले मैं तो मन कहने से वजन ले लूँगा, 1 मन कितना हो गया 40 किलो, 9 मन 360 किलो, क्या चिंटी के शरीर में लगेगा, जरा आदमी के शरीर, हाथी के शरीर में भी नहीं लगेगा, इतना तेल कहाँ लगा पाएंगे, 360 किलो तेल। इसे तात्पर्य अलग है, उसका समझना पड़ता है। और कहीं चिंटी के पीठ पर हाथी चढ़ जाए और फिर भी चिंटी चल रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऊंट में बगल लटकाओ कैसे लटकाएगा चिंटी। इसे पूरा तात्पर्य अलग में प्रयोग किया, रूपक अलंकार है। चिंटी मने साधक जीवात्मा, और मोक्ष कहाँ है पता ही नहीं, पहाड़ है वो, चिंटी चढ़े पहाड़ पर। मोक्ष प्राप्ति के लिए पहाड़ पर लगा हुआ है ये साधक, चींटी जैसे चढ़ रहे धीरे धीरे धीरे, बार बार लुढ़कता है चींटी, देखो एक चीनी बाबू से पता, चीनी ऊपर है, गुड़ ऊपर है, चींटी क्या करती है, वो चढ़ती है, वो गिर जाती है लेकिन छोड़ेगी नहीं, बार बार चढ़ती है। इसलिए अंग्रेज ने लॉन्ग फ्लो नाम का बहुत अच्छा कविता का उनका लेखक था, उसे लिखा, ट्राई एंड ट्राई अगेन एट लास्ट यू विल सक्सीड जस्ट लाइक एन एंट क्लाइम्स अप द हिल। हम लोग दूसरी कक्षा में पढ़ा हुआ कविता है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करो, एट लास्ट यू विल सक्सीड, अंत तुम्हारी ही सफलता होगी। दृष्टांत क्या दिया, जस्ट लाइक एन एंट क्लाइम्स अप द हिल, जैसे कि एक चींटी जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, कितने बार उसको गिरना पड़ता है, हर बार हिम्मत नहीं हारता, आगे ही चलते रहता है। अरे साधक रूपी चींटी का भी करते हिम्मत मत हारो कभी भी, जबकि आपकी इंद्रियों के माध्यम से मन बुद्धि अहंकार 9 मन तेल लगा है, ये मन मने इंद्रिय, मन इंद्रिय, ये 9 छिद्रों से तेल लगाया, मैंने फिसलना अर्थ है, तेल से क्या होता है फिसलना, 9 छिद्रों के द्वारा ये मन रूपी जो है अंतकण बार बार फिसल के संसार में भले ही जाते रहेगा, पकड़ पड़ के खींच के वापस ले आओ, फिर लगाओ अपने मार्ग में। यदि भी जीवात्मा अपने पाप के रूपी गठरी अपने पीठ पर चढ़ाया हुआ है, हाथी चढ़ाए पीठ पर, हाथी क्या है यहाँ पर प्रतीक, हमारे अनंत जन्मों के वासनाएं कर्म, ये प्रतीक है, और ऊंट बगल लटकाए और अपने अहंकार को कभी त्यागते नहीं हो। ऊंट क्या है, हमेशा सर्वोपयोग करते हैं ना,
अहंकार, अहंकार को कभी घटाना भी नहीं चाहते आप, कोई बात नहीं फिर भी लगे रहो बोलता है। चिंटी चढ़े पहाड़ पर, नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। अद्भुत है कबीर की वाणी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गजब बोलते भाषा होती, समझने वाले के लिए बहुत उपदेश दे दिया, साधक के लिए तो बहुत जबरदस्त उपदेश इसमें है। इसलिए हमें अत्यंत सतर्क होना पड़ेगा कि हमारे पीठ पर जो लगा हुआ दुनिया भर की वासनाएं संस्कार है, पाप पुण्य का ढेर हम ले चल रहे हैं, उसका मार्जन कैसे होगा और कैसे हम अपने इस अहंकार को बार बार चोट देकर घटाते जाएंगे, तब हमारा यात्रा सफल होगा। अंतर यात्रा तभी सफलता को प्राप्त कर सकते। इसलिए आवृत्ति असकृत उपदेश आता, अनेक बार इसलिए उपदेश देना पड़ता है। इति न्यायेना, इस ब्रह्म सूत्र के उक्त न्याय के आधार पर पुनः पुनः त्वं पदार्थ शोधनम एव सम्यक कर्तव्यम, त्वं पदार्थ शोधन को ही सम्यक करना चाहिए सूची तुम, आगे के ग्रंथ को आरंभ किया जाता है। तत्र पूर्वम त्वं पदार्थस्य आत्मन काल त्रेपि सद्भावे प्रतिपादिते। अब पूर्व श्लोक में त्वं पदार्थ जो आत्मा है काल त्रेमी उसका सद्भाव है, इसका प्रतिपादन कर दिया गया। सत्यपेतद् देहनाश अनंतरम सत्ता न दृश्यते। फिर भी आदमी सोचता है इस देह के मरने के बाद मैं हूं, ये सत्ता अनुभव में नहीं आता, और अगला जन्म में पहुंचने पर वहां पर ये नहीं आपको मालूम है मैं पूर्व जन्म ये था, वही मैं इस जन्म यहां ऐसा हूं। ऐसे किसी को भी पूर्वोत्तर की स्मृति हो जाए तो संशय का नाम नहीं रहेगा, कैसे संशय हो सकता है। लेकिन पूर्वोत्तर स्मृति के अभाव होने से लगता है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता ही नहीं, चार्वाक खड़ा हो जाता है। चार्वाक सिद्धांत की जवाब देने के लिए अगला श्लोक है, एतद् देह नाश अनंतरम सत्ता न दृश्यते खतम तत्र सद्भाव। इसे उत्तर काल में इसका सद्भाव कैसे सिद्ध करोगे इति शंका, शंकावंतम, शंका वाला कौन? अर्जुनम। अर्जुन को चार्वाक बना दिया ये भगवान ने। अर्जुनम आलक्ष्य, लक्षित करके आत्मनो देहांतरी पे सत्तां सदृष्टांतम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अवगमितुम आह। आत्मा जो देहांतर में भी सत्ता प्राप्त करता है, इसको दृष्टांत के साथ प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से बोध कराने के लिए आरंभ करते हैं 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरो तत्र न मुह्यति। यथा अस्मिन् अस्मिन् देहे, जिस प्रकार से इस देह में आप देख रहे हो बाल्यावस्था थी, तदवचिन जो शरीर था वह नष्ट हो गया, आप कुमार अवस्था में पहुंच गए, कुमार अवस्था अवचिन जो शरीर था वह भी खत्म हो गया है कि नहीं, युवा युवावस्था में पहुंच गए, और हम लोग हैं सफेद दाढ़ी वाले है कि नहीं, जितने इनकी युवावस्था भी खत्म हो गई, अब जरा बुढ़ापे अवस्था को प्राप्त हो गया है। पूर्व पूर्व शरीर एक तरह से आपके लिए वह नष्ट हो चुका है, उत्तर उत्तर शरीर उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्षण यहाँ विकार हो रहा है शरीर में, विकार होने का मतलब ही विनाश होना है, एकदम मर गया मुर्दा होकर के, बच्चा मर गया फिर जन्म लिया दोबारा और वहां पर किशोर हो गया, और किशोर मर गया फिर जवान पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं दिखता है, लेकिन यह निश्चित है विकार तो दिखाई दे रहा है। पहले दाढ़ी मूछ नहीं थे, फिर दाढ़ी मूछ आ गया, सब बाल काले थे, फिर धीरे धीरे सफेद होते गया, ऐसा एकदम मांस टनाटन था,
धीरे 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 झुर्रियाँ पड़ने लग गए, होते ही नहीं होते, ये विपरिणाम दिख रहा है। विपरिणाम ही उसका एक तरह से विनाश का द्योतक है। से नाश भी अनेक प्रकार के ना, मरना ही नाश नहीं है, नष्ट होना ही नाश नहीं है, विकृत होना भी नाश है। हम विकार स्पष्ट देख रहे, अनुभव सिद्ध है विकार कि कौमारम यौवनम जरा यथा देहे अस्मिन देहिनो, भले देही एक है वही सभी अवस्थाओं को सभी शरीरों को अनुभव कर रहा है। ये नहीं कहता है शिशु वाला मैं अलग था, है कुमार अवस्था वाला मैं अलग हूँ, युवावस्था वाला अलग है, वृद्धावस्था वाला अलग आत्मा है, ऐसे किसी को भी अनुभव में नहीं आता। सकल शरीर अवच्छेदन एक ही आत्मा अनुभव करता है। तथा देहांतर प्राप्ति, एक यहाँ पर अवस्थावच्छिन्न जो शरीरों से दूसरे अवच्छावन अवस्थावच्छिन्न शरीर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति भी होती है। अतएव तत्र एतसन विषय धीरो न मुह्यति, धीर के मोह को प्राप्त नहीं करता। इसका भाष्य आदि